वेलकम टू एंटरटेनमेंट स्पाइसेस, मैं हूं आपके संग अनामिका। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइगर 3 के दूसरे दिन के कलेक्शन की। दूसरे दिन टाइगर ने ऐसा कर दिया जो अभी तक किसी फिल्म ने इस साल नहीं किया। टाइगर 3 ने पठान, जवान और गदर 2 जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है। टाइगर 3 जैसी फिल्म जवान, पठान और गदर 2 जैसी फिल्म को पीछे कर देगी। अगर आप टाइगर 3 के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो उसने 57 करोड़ कमा लिए थे। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और अब दूसरे दिन की बात करें तो इसने 53 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, जो कि 2 दिन में 100 करोड़ पार कर चुकी है टाइगर 3। और दूसरे दिन अगर हम बात करें फिल्म जवान, पठान और या फिर गदर 2 की, तो वो सिर्फ 43 करोड़ कमाने में सक्षम रही थी, या फिर आप कह सकते 43 से 45 के अंदर थी। लेकिन टाइगर 3 ने दूसरे दिन 53 करोड़ करके ये साबित कर दिया कि सलमान खान की दबंगई आज भी कायम है। लोग आज भी सलमान खान की फिल्म को पसंद करते हैं। जिस तरह से सलमान खान काफ़ी टाइम से अच्छी फिल्में नहीं दे पा रहे थे, लोगों को उनसे उम्मीदें कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान खान के चाहने वालों को ये भी उम्मीद थी कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 कुछ नया लेकर आएगी, जिस वजह से सभी इस फिल्म को देखने के लिए, ज़्यादातर लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों तक गए और ढेरों प्यार लुटाया है। वेल दोस्तों, टाइगर 3 में सलमान खान के अलावा कटरीना कैफ, इमरान हाशमी जैसे स्टार नज़र आ रहे हैं। लोगों को इन तीनों को देखना बहुत मज़ा आ रहा है। सलमान खान के साथ कटरीना कैफ तीनों फिल्मों में नज़र आई हैं। टाइगर की फ्रेंचाइजी में सलमान खान और कटरीना कैफ तीसरी बार एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं और लोगों को ये जोड़ी बहुत पसंद आ रही है। वेल, रियल लाइफ में सलमान खान कटरीना कैफ के बहुत अच्छे दोस्त हैं और कटरीना कैफ सलमान खान की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो वहीं इमरान हाशमी अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये तीनों अब अच्छी दोस्ती निभाने वाले हैं। वेल, साल के स्टार्टिंग में सलमान खान की फिल्म तो ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन जाते जाते सलमान खान अपनी छाप छोड़ते हुए जा रहे हैं। इस साल को अपने नाम शायद ये कर पाएँ। और यही नहीं, इस साल जो एंड में जो फिल्म रिलीज़ हो रही है वो है फिल्म डंकी, और जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। माना ये भी जा सकता है कि फिल्म डंकी सलमान खान की फिल्म या फिर गदर 2 जैसी फिल्म या फिर अपनी ही फिल्म के रिकॉर्ड्स को पीछे कर सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने टाइगर 3 जैसी फिल्म देखी है और आपको कैसी लगी है फिल्म, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।